हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़े चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। हमने एक्सरसाइज स्टार्टेड थे 3.4 से। कुछ क्वेश्चन और जो हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 50 एंड 20 बाय व्हिच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर ऐसा है जो कि 50 एंड 20 दोनों से डिवाइड होता है। हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा और अदर नंबर है जिससे वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 15 और 20 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर इनके जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जिसको हम कहते हैं सबसे पहला जो कॉमन मल्टीप्लायर होगा 15 और 20 से, सबसे पहला जो मल्टीप्लायर होगा फर्स्ट मल्टीप्लायर, उससे ये डिवाइड होंगे। ठीक है, कॉमन मल्टीप्लायर जो फर्स्ट होगा उससे डिवाइड होंगे। हम चेक कर लेते हैं कैसे नंबर फाइंड आउट करेंगे। हम नंबर मल्टीप्लायर से देखेंगे 15 और 20 का, यानी तो मल्टीप्लायर ऑफ 15 के मल्टीप्लस कितने हैं, 15 के मल्टीप्लस 15 टेबल लिखेंगे तो 15 और 15 15 दो 30 45 ठीक है। फिलहाल यहां पर लिखता हूं, अगर मुझे कॉमन नहीं मिलेगा मैं आगे और लिखूंगा इसको। नेक्स्ट यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लस ऑफ 20 में 20 40 60 कॉमन मल्टीप्लस मेरे को मिल चुका था, आगे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहां पर इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो मिल रहा है दोनों 20 और 15 का वो है 60। तो ऐसा नंबर जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड होता है वो 60 से भी डिवाइड होगा हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय 60 विल डेट नंबर always be always divisible। always divisible क्वेश्चन का मतलब फिर से देखना है। क्वेश्चन का मतलब है एक ऐसा नंबर है जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा और दूसरा नंबर होगा जिससे वो हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, हमेशा डिवाइड होगा इनका जो फर्स्ट दोनों नंबर का फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा उससे वो हमेशा डिवाइड होगा। जो नंबर 18 से डिविजिबल है वो इनके फैक्टर्स मतलब 1 2
3 6 9 8 इनसे वो हमेशा डिविजिबल होगा ठीक है। ये नंबर इनसे वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।